क्रिप्टो करेंसी को लेकर आपके मन में काफ़ी सारे सवाल होंगे। आखिरकार क्रिप्टो करेंसी है क्या? क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं? क्या आने वाले टाइम पर इसकी वैल्यू ऊपर जाने वाली है या फिर नीचे? क्या इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल है या फिर इलीगल? आज मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ क्लियर करूंगा, तो कीप वॉचिंग माई वीडियो, लेट्स गो। क्रिप्टो करेंसी बेस्ड है ब्लॉकचेन के ऊपर। अब ये ब्लॉकचेन क्या होती है, मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ ब्लॉकचेन के बारे में। आप बैंक्स के बारे में जानते होंगे, बैंक्स के अंदर एक लेजर होता है जो कि हमारे डाटा को मैनेज करता है, मतलब हमारा सभी डाटा उसके पास होता है। अगर कभी बैंक से लेजर हट जाता है तो फिर हमारे डाटा में, हमारे अकाउंट में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो कुछ टाइम पहले कुछ बैंकों के साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं बात करूं ब्लॉकचेन की, ब्लॉकचेन का अपना एक अलग सिंपल सा फंडा है। ब्लॉकचेन कहता है कि सिस्टम में से कोई भी यहाँ से डाटा एंट्री को कभी मिटा नहीं सकता, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन, जो भी डाटा होते हैं कभी उसको वहाँ से मिटाया नहीं जा सकता। सभी के पास अपना अलग अलग सिस्टम्स होता है, हर इंसान के पास अपने अलग अलग सिस्टम्स हैं। वो अपने सिस्टम में चेक कर सकते हैं कि कितना ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, मतलब कब कितना क्रिप्टो करेंसी खरीदी जा रही है, कब कितनी क्रिप्टो करेंसी बेची जा रही है। ये सारी चीज़ हर इंसान अपने सिस्टम में देख सकता है। ब्लॉकचेन एक न्यू तरह की टेक्नोलॉजी है। आने वाले टाइम में इसको एजुकेशन्स में, हेल्थ केयर में, काफ़ी सारी जगह इसका यूज़ होने वाला है। ये बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। और मैं आपको बताऊं, कई सारे लोगों को ये चीज़ से प्रॉब्लम थी, जब पैसा हमारा तो इसका कंट्रोल बैंक्स के हाथ में क्यों है, इसका कंट्रोल अथॉरिटीज़ के हाथ में क्यों है, इसका कंट्रोल एजेंसीज़ के हाथ में क्यों है, जब पैसा हमारा तो इसका कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में क्यों है। गवर्नमेंट जब चाहे इन्फ्लेशन बढ़ा सकती है, मतलब जब चाहे वो नोट को छाप सकती है, और वो जितना ज़्यादा नोट को छापेगी, प्रिंट करेगी, उतना ज़्यादा करेंसी डाउन होती रहेगी, उतनी ज़्यादा इंडिया की करेंसी डाउन होती रहेगी और डॉलर की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। तो बैंक में बैठे लोगों को क्यों पता हो हमारे अकाउंट में कितना पैसा है? कई सारी पार्टीज को क्यों पता होना चाहिए कि हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है? ये सभी चीज़ों से लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। फिर लोगों ने धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे कुछ लोगों ने उसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है। इसका किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं है, कोई इसको कंट्रोल नहीं करता, ये एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है। अगर मैं बात करूं बिटकॉइन की, बिटकॉइन की टोटल सप्लाई 21 मिलियन है, मतलब 21 मिलियन से एक भी ज़्यादा कोई इसको इंक्रीज नहीं कर सकता, ये बिल्कुल लिमिटेड है। अगर मैं आपको बताऊं, काफ़ी टाइम पहले लोग क्वाइंस का यूज़ करते थे, मतलब सिक्कों का, फिर कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट ने नोट छापना स्टार्ट किया, फिर लोगों ने नोट का यूज़ करना स्टार्ट करने लगे, फिर लोगों के पास 50,000 की गड्डी, 1 लाख की गड्डी, लोगों को उनको अच्छा लगने लगा। फिर कुछ टाइम बाद वो उस चीज़ से भी बोर होने लगे, वो लोग को अपनी जेब में रखने में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी थी, क्योंकि वो चीज़ चोरी हो सकती थी, वो चीज़ गिर सकती थी, वो चीज़ खो सकती थी। फिर धीरे से डिजिटल वर्क स्टार्ट होने लगा, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, फिर सभी लोग ये चीज़ का यूज़ करने लगे। फिर धीरे धीरे आज के टाइम पे लोग क्रिप्टो करेंसी का भी यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं, काफ़ी सारी ऐसी जगह है जहाँ पर लोग क्रिप्टो करेंसी का यूज़ कर रहे हैं अपने इंडिया के अंदर, मतलब काफ़ी सारे रेस्टोरेंट ऐसे हैं जहाँ पर लोग क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं, काफ़ी सारी एजेंसीज हैं जहाँ पर लोग क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट एक्सेप्ट करना पसंद कर रहे हैं। इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी की ग्रोथ होती जा रही है। अब काफ़ी सारे लोगों के सवाल होते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे इंक्रीज हो जाती है, कैसे डिक्रीज हो जाती है, मतलब इसकी वैल्यू कैसे बढ़ जाती है, कैसे कम हो जाती है। तो मैं आपको बताऊं, ये चीज़ करेंसी की डिमांड पर डिपेंड करता है। एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास एक घर है और आप उस घर को सेल कर रहे हो और खरीदने वाले लोग काफ़ी सारे हैं, मतलब उस घर को खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो उसकी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा, तो उसकी वैल्यू, जो उसकी कीमत लगाई जाएगी, वो भी ज़्यादा लगाई जाएगी।
इस तरीके से आपके पास एक दूसरा घर है, आप उस घर को सेल कर रहे हो और उस घर को खरीदने वाले लोगों की डिमांड कम है, मतलब उस घर को खरीदने के लिए लोगों को नीड कम है, लोग उस घर को खरीदना पसंद नहीं करते, तो उसकी डिमांड होगी कम, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कम, मतलब उसकी कीमत लगाई जाएगी बिल्कुल कम। इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी में हर करेंसी की जब डिमांड नज़र आती है तो उसकी वैल्यू अपने आप इंक्रीज हो जाती है। अब हम लोग इसके कुछ एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी है, मतलब किसी एक इंसान का इस पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। मतलब जिस इंसान के पास क्रिप्टो करेंसी है, कोई सी भी करेंसी है, वो अपने हिसाब से उसको कंट्रोल कर सकता है। ये नो गवर्नमेंट कंट्रोल है, मतलब किसी तरह की कंट्री, किसी कंट्री की गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। कोई गवर्नमेंट इसमें इन्फ्लेक्शन नहीं कर सकती। जैसे कि अगर मैं बात करूं बिटकॉइन की, इसकी टोटल सप्लाई 21 मिलियन है, तो इसमें एक भी ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये एकदम फिक्स्ड है। अगर आज गवर्नमेंट ऑर्डर कर दे कि आपके पास जो 500 का नोट है उसको हम बैन कर देते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। बट क्रिप्टो करेंसी में ऐसा बिल्कुल नहीं है, गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। अब हम लोग इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की भी बात कर लेते हैं। अगर इसकी कुछ अच्छाई है तो इसकी कुछ खराबी भी होगी। इसमें नो गवर्नमेंट नो अथॉरिटीज, मतलब कोई गवर्नमेंट कोई अथॉरिटीज का इस पर कंट्रोल नहीं है। अगर फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है किसी के साथ, तो वो अपनी प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व करने जाएंगे, एक ये प्रॉब्लम है। सेकेंड चीज, ये अनएथिकल यूजेस, ये काफ़ी सारी जगह इससे जो पेमेंट हो रहा है वो अनएथिकल यूजेस पेमेंट किया जा रहा है, मतलब अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी में लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। थर्ड चीज़, ये नॉन इको फ्रेंडली है, मतलब जहाँ पर ये चीज़ माइनिंग करी जाती है, इसका सेटअप लगाया जाता है, तो उसके लिए काफ़ी सारे सोर्सेस होते हैं, काफ़ी सारे पावर्स लगता है, काफ़ी सारी इलेक्ट्रिसिटी खर्चा होती है, जिससे कि अर्थ में रेडिएशंस होता है, काफ़ी सारा पॉल्यूशंस क्रिएट होता है इसको माइनिंग करने के लिए, कुछ माइनर्स होते हैं। तो इस चीज़ पे लेकिन वर्क किया जा रहा है, ये चीज़ जल्दी धीरे धीरे कहीं ना कहीं कुछ हद तक के सही होती जा रही है। अब काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, क्या इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल है या फिर इलीगल है? आंसर इज यस, जी हाँ, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल है। 2018 में आरबीआई की तरफ से एक न्यूज़ आई थी जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि इंडिया में ट्रेडिंग करना, क्रिप्टो करेंसी से ट्रांजैक्शंस करना बैन है। लेकिन फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आरबीआई के लिए इंस्ट्रक्ट था कि वो अपने ऑर्डर को वापस ले ले। फिर उस टाइम से इंडिया में ट्रेडिंग करना अलाउ हो गया, क्रिप्टो करेंसी का लोग अच्छे से यूज़ करने लगे 2020 के बाद अपने इंडिया के अंदर। तो मेरा मानना है गवर्नमेंट हर दिन नोट को प्रिंट करती जा रही है, प्रिंट करती जा रही है, मतलब हर दिन गवर्नमेंट नोट को छापती जा रही है, जिसकी वजह से इकोनॉमी डाउन होती जा रही है, अपने इंडिया की इकोनॉमी हर दिन डाउन होती जा रही है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, अपने पैसे को एक एसेट्स बना लो, मतलब उस पैसे को गोल्ड में या सिल्वर में या फिर लैंड में इन्वेस्टमेंट कर दो। फ्यूचर में इसकी वैल्यू डिप्रिशिएट नहीं होगी, ना ही इस पर इन्फ्लेक्शन हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट गोल्ड को नहीं छाप सकती, ना ही वो सिल्वर छाप सकती है, ना ही वो किसी तरह की जमीन को छाप सकती है, क्योंकि ये सभी चीज़ लिमिटेड हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि फ्यूचर में आने वाले टाइम पर हम आपको ऐसे ही न्यू अपडेट देते रहेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।